हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड का पिन एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में चेंज कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अपने एटीएम कार्ड के पिन को बदलने के लिए आपको अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालना है। कार्ड डालते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि कार्ड का जो चिप वाला हिस्सा है वो ऊपर के साइड और आगे की ओर होना चाहिए, और जब हरा कलर का सिग्नल मिल रहा हो उस वक्त आपको एटीएम मशीन में कार्ड को इस तरीके से डालना है। कार्ड को मशीन में डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है दोस्तों, और उसके बाद जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता आपको कार्ड को मशीन से नहीं निकालना है। मशीन में कार्ड को डालते ही दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद स्क्रीन में कुछ इस तरह का डिस्प्ले नज़र आएगा। यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जो लैंग्वेज आपको आसान लगता है वो लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपका नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पिन चेंज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का पुराना वाला पिन डाल देना है दोस्तों। अपना पुराना एटीएम पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले बटन पर प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नया एटीएम पिन डालना है, जो भी जैसा भी पिन आप बनाना चाहते हो उस पिन को यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से वही सेम पिन डालना है जो अभी आपने डाला था दोस्तों। उसके बाद फिर आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एटीएम पिन री एंटर करने के बाद जैसे ही आप कंफर्म वाले बटन पे प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो एटीएम कार्ड का जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो एटीएम कार्ड का पिन है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक स्लिप भी निकला दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो पिन है वो चेंज हो चुका है, पिन चेंज। तो इस तरीके से आप भी किसी भी एटीएम कार्ड का पिन आसानी से एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। एक ज़रूरी बात दोस्तों कि अगर आप एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली पिन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन यहाँ पर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते, बल्कि आपको सेम बैंक के एटीएम मशीन में जाके आपको नया पिन बनाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।